नमस्ते सर। सर मैं मोहम्मद इरशाद फेबर कंपनी में टेक्नीशियन हूँ, चिमनी इंस्टॉलेशन का काम करता हूँ सर। और मेरा दिन भर में मैं 2 से 3 चिमनी इंस्टॉल करता हूँ, और महीने में तो फिर मुझे मालूम नहीं कितना हो जाता है, पर दिन की मैं 2 से 3 चिमनी इंस्टॉल करता हूँ। पहले तो खोलने का वो दिखा देता हूँ आपको कि पेपर की चिमनी ऐसी होती है। ये रिड्यूसर होता है इसका, ये अच्छा अच्छा चिमनी के एंड पे ऊपर लगता है। अच्छा 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 ये इसका ऑयल कलेक्टर होता है, इसमें ऑयल कलेक्ट होता है पूरा। जी जी जी, ये पूरा यूनिट होता है चिमनी का। अपना मेन चिमनी ये जी जी, ये अपना 3D मॉडल है। ये 3D मॉडल होता है। ये मोशन सेंसर है इसमें जी, और टच है और मोशन सेंसर दोनों है। इसका वेट भी रहता होगा काफी? हाँ, वेट 15 किलो के आसपास रहता है। अच्छा अच्छा, 15 किलो के आसपास रहता है। सर 1 से 1.5 घंटा इसको लगाने में टाइम लगता है। अच्छा, एरिया के ऊपर और किस तरह का काम? साइट रहती है, साइट और फर्नीचर वर्क रहता है। अगर फर्नीचर वर्क नहीं होता तो जल्दी काम हो जाता है। बाकी दीवार में जो डक्टिंग होती है उसके लिए पाइप निकालने के लिए होल किया जाता है जी, उसमें टाइम लगता है। सर देखिए, इसका इंस्टॉल करने के लिए इसको मेजरमेंट करना ज़रूरी रहता है, अपन को कितने इंच पे लगाना है इस चिमनी को और कितने हाइट प्लेटफॉर्म से रखना है, उसके लिए मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है। ये इसका क्लेम रहता है, इस पर हैंग होती है चिमनी, ठीक है सर जी। अब ये जो मैं मेजरमेंट दे रहा हूँ, इसके ये 16.5 इंच पे इसका क्लेम हैंग होगा सर वॉल पे। अच्छा, ऐसा दिखता है ये। अच्छा, इस पे चिमनी अपनी टिक जाएगी? जी, इस पे चिमनी हैंग हो जाएगी सर। तो ये अपने होल होंगे इसके? ये होल होंगे, 4 होल होंगे, इस पे चिमनी हैंग हो जाएगी सर। अच्छा अच्छा, प्लेटफॉर्म से चिमनी की हाइट लेते हैं सर हम लोग, वो 30 इंच पे लेते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड हाइट रहती है सर, 30 इंच को लेना ही है। जी 30 इंच, प्लेटफॉर्म से 30 इंच। इसके बाद जब हम इसका क्लेम के लिए इसका मेजरमेंट लेंगे तो ये यहाँ से 16.5 इंच अपन नाप लेंगे 30 इंच के बाद जी, यहाँ पे सेंटर करके यहाँ पे अपन को चिमनी लगाना है जी, उसके हिसाब से इसका क्लेम लगेगा सर। जी जी सर, देखिए अब हमने इसका सेंटर निकाल लिया है, ठीक है। ये इनकी कुकटॉप है, कुकटॉप के जस्ट ऊपर इनकी चिमनी रहेगी। ये हमने सेंटर निकाला है इनका, ठीक है। यहाँ तक चिमनी आ जाएगी, यहाँ के बाद फिर इसका क्लेम जो है ना यहाँ पर हैंग होगा। अच्छा, ये हमने मार्किंग कर ली है, अब हमें ड्रिलिंग करके क्लेम को हैंग करना है जी, ठीक है ना सर। जब अपन पाइप की फिटिंग करना है तो इसके जस्ट ऊपर से पाइप की फिटिंग होगी, बाहर जाएगा पाइप। अच्छा अच्छा, तो ये अपना कौन सा पाइप रहता है? सर इसमें 2 प्रकार के पाइप आते हैं, एक तो एल्युमिनियम का आता है जी, और एक पीवीसी का प्लास्टिक वाला जो ड्रेनेज पाइप होता है वो लगता है। तो लाइफ में किसकी अच्छी रहती है? लाइफ में सर हीटिंग की वजह से एल्युमिनियम ज्यादा सक्सेस रहता है। ठीक है, उसमें 90 पीवीसी में जो रहता है वो 90 डिग्री का बेंड रहता है। अच्छा अच्छा, और एल्युमिनियम में 90 डिग्री बेंड नहीं, फ्लेक्सिबल रहता है, उसे जितना अपन चाहेंगे मोड़ सकते हैं। अच्छा, देखिए अब हम ड्रिलिंग करते हैं, एक एक करके ड्रिलिंग करेंगे क्योंकि इसका वाटर लेवल मिलाना पड़ता है। देखिए आप, जो मैंने क्लेम लगाई है ना, ये वाटर लेवल से बिल्कुल परफेक्ट लगाई है। देखिए सर, ये अपना आप यहाँ पे क्लेम कसा गया है, इस पर अब चिमनी लाकर मैं हैंग करता हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए सर, अब ये चिमनी हैंग करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये चिमनी अपनी हैंग हो गई है? चिमनी हैंग हो गई है, अब इसके ऊपर से पाइप रहेगा सर। अच्छा, तो ये पाइप कितने इंच का रहता है? पाइप सर 6 इंच का रहता है इसमें, इसका फ्लो जो है ना 6 इंच में सही रहता है, 4 इंच में इसका सेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे ये 3D फंक्शन जो दिया हुआ है जी, ये यहाँ से जो स्मोक थोड़ा बहुत रह जाता है वो साइड से ऊपर से यहाँ से ले लेता है वो।
देखिए सर, अब हम ये पाइप की डक्टिंग जो बाहर निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे एक मार्किंग करना पड़ेगी, फिर दीवार में जो है ना होल करेंगे, ये डक्टिंग जो यहाँ से निकलेगी। ये बाहर की जाली रहती है, इसमें कोई चिड़िया कबूतर कोई चीज इसमें घोंसला ना बनाए इसलिए लगाते हैं। अच्छा, उसके लिए रहती है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं ये लोग? इसको कोविल बोलते हैं, कोविल। केप भी बोलते हैं, कोविल भी बोलते हैं। प्लास्टिक की जाली है तो हमने आउट किया है, इसलिए किया है कि चिमनी का, पेपर की चिमनी का जो आउटलेट रहता है वो साइड से रहता है, अच्छा इसलिए होल को थोड़ा फेवर करना इसलिए पड़ता है। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे करना पड़ता है इसको। सर, ये केप को रोकने के लिए यहाँ पे टेप लगाया जाता है। ये अपना पाइप है, मतलब ये पूरा। पाइप है। अब ये पाइप को क्या आप काटेंगे अब साइज के हिसाब से? हाँ सर, ये जो पूरा यूज नहीं हुआ है पाइप, अच्छा इसके लिए अपन को यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, काट के फिर लगेगा सर। तो अपना होल हो गया यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे होल हो गया है। तो मेजरमेंट पहले ही ले लिया होगा आप? हाँ, थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ता है पाइप। अच्छा, ये पूरा एल्युमिनियम का मेटल का पाइप है पूरा? 3-3.5 फीट रहता है। और स्ट्रेच होके 10 फीट हो जाए? सर, ये अब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, पाइप भी फिटिंग हुआ है, क्लैंप भी लग गया है, और अब चिमनी को हैंग करके उसमें पाइप फिट करना है सर। तो इसकी कोई टेपिंग या कुछ करनी पड़ती है? हाँ सर, इस पर टेपिंग करना पड़ती है क्योंकि चिमनी जो है ना सर्विसिंग के लिए निकालना पड़ती है जी, तो उसके लिए इसकी टेपिंग करते हैं। तो हर बार सर्विस में अपन टेप निकालेंगे? परमानेंट फिक्स इसलिए नहीं करते कि सर्विसिंग के लिए निकालना पड़ती है। अच्छा। सर, ये फिल्टर होते हैं, बेफल फिल्टर जी। ये यहाँ चिमनी के नीचे वाले हिस्से पे लगते हैं जी। अब इसमें जो है ना फिल्टर स्मोक जो होता है वो फिल्टर होके जाता है ऊपर। अच्छा अच्छा, स्मोक स्मोक ऊपर चला जाता है, जो ऑयली रहता है तेल जो रहता है चिपचिपाहट जो है वो इसमें रह जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। ऊपर जो है ना फ्रेश एयर निकलती है इसमें और यहाँ पे लगते हैं नीचे जी जी। ठीक है सर, ये ऑयल कलेक्टर होता है जी, इसमें ऑयल कलेक्ट होता है। अपन जैसे एक महीने में एक बार ऑटो क्लीन करते हैं महीने में जी, तो उसके बाद जो भी ऑयल होगा वो इसमें आ जाएगा। ये आपका पूरी चिमनी कंप्लीट हो गई सर। टच और मोशन सेंसर दोनों रहते हैं सर इसमें ना जी। जैसे अगर आपको टच करके चलाना है तो यहाँ से टच करके चला सकते हैं आप जी। पहले इसको यहाँ से टच करके ऑन करना है, उसके बाद ये फर्स्ट स्पीड कुकिंग करने से 5-10 मिनट पहले आप इसको चालू करके छोड़ेंगे सर जी, तो जो भी एग्जॉस्ट होगा वो रेगुलरली सर्कुलेशन चलता रहेगा उसका। अच्छा, इसके बाद जब आप खाना बनाना स्टार्ट करेंगे जी, उसके लिए आप सेकंड चलाइएगा। अच्छा जी, मतलब पहले हम फर्स्ट पे स्टार्ट करें, स्टार्ट करके फर्स्ट पे छोड़ दीजिए आप जी, उसके बाद जब खाना बनना स्टार्ट हो जाए तो सेकंड पे चलाइए। अच्छा, जब ज्यादा ऑयली काम है जैसे फ्राई करना है, पूरी करना है, पराठे सेकना है जी, डीप फ्रेश करना है, उसके लिए आपको थर्ड चलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये थर्ड जो है ना हाई स्पीड है जी, बहुत तेजी से सक्शन करती है इसके। ओ, तो थर्ड अपना ऑयली फूड के लिए या फ्राइंग कर रहे हैं के लिए जी जी। इसके लिए जब आप जैसे चिमनी को बंद करना आपकी कुकिंग हो जाती है जी, तो आप 10 मिनट के बाद इस चिमनी को बंद कर दीजिए, इसका सक्शन पावर। ये अभी थर्ड पे है? ये अभी थर्ड पे। ओहो, ये तो काफी जल्दी, और धुआं तो इससे भी लाइट होता है। तो लाइट होता है, स्मोक ऊपर को जाता है। जी जी जी, देखिए आप इस पर। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है सर मोशन सेंसर का जी, जैसे आपके हाथ अगर गंदे हो रहा है तो आप चिमनी चालू करना चाह रहे हैं तो आप वो बस चिमनी के सामने से हाथ हिलाना है, चिमनी चालू हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। ये फर्स्ट स्पीड हो गई है, प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताई थी आपको जी। कुकिंग करने से थोड़ी देर पहले इसको चालू करके छोड़ दिए फर्स्ट पे जी। जब आप खाना बनाना स्टार्ट करें, नॉर्मल खाना सब्जी वब्जी दाल वाल ऐसी चीजें, उसको सेकंड पे चलाइए। पकौड़े करना है या कोई भी चीज फ्राई करना है जी, फ्राई करना है जी जी, आपको थर्ड पे चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखिए लाइट सेंसर के साथ चलती है इसमें लाइट। अच्छा, काफी पावरफुल लाइट है इसकी तो जी। अब इसको बंद अपन करेंगे तो दो बार आपको राइट से लेफ्ट में जाएंगे आप तो ये बंद हो जाएगा, साथ में लाइट भी बंद हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है सर ऑटो क्लीन का जी, एक महीने में एक बार अपन को वो करना है, उसके लिए आपको पहले पावर ऑन करना है चिमनी का जी। ठीक है, ये आपकी ये लाइटिंग जो है ना गोल गोल घूम रही है, ये तीनों लाइटें जल रही है। आप ये बीच वाली लाइट पे आप प्रेस करके रखेंगे ना
ये यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये 9 मिनट तक क्लिंग करता रहेगा, ये माइनस होता रहेगा, अंदर हीटिंग होती रहेगी जी। इसके बाद ये ऑटोमेटिक 9 मिनट के बाद बंद हो जाएगा सर। अच्छा, जब बंद होगा इसके 10 मिनट के बाद आप इसका ऑयल कलेक्टर निकालिएगा जी। ये ऑयल कलेक्टर ऐसे निकलेगा जी, अपनी तरफ को स्लाइड करके निकालना है इसको। अच्छा, स्लाइडिंग से निकल जाएगा, स्लाइडिंग से निकल जाएगा जी। इसके बाद आप ये दोनों फिल्टर, वेफर फिल्टर निकालिएगा। ये महीने में एक बार करना, ये एक महीने में एक बार। गरम पानी करके इसके अंदर सर्फ डालिए, कोई भी अपना कपड़े धोने वाला या कोई भी बर्तन धोने वाला लिक्विड। अच्छा अच्छा, इसके बाद एक घंटे के लिए आप इनको पानी में डाले रहने देना। पानी गुनगुना चाहिए तो वो पानी सर। अच्छा, आप इसको पानी में छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद इसका जो ऑयल है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा और अपने आप छूट जाएगा। फिर टूथब्रश से इसकी नाली में थोड़ा थोड़ा घिस के जी इसको वॉश करके पानी के प्रेशर से वापस इसको सुखा के वापस लगा दीजिए। अच्छा, सर्विस का सर इसमें आपके यूज के ऊपर रहता है। वैसे एक साल में इसकी सर्विसिंग होती है फुल सर्विस जी। फुल सर्विस में ये चिमनी पूरी डिसमेंटल होती है जी। डिसमेंटल होने के बाद जी ये पूरी वॉश होती है जी। वॉश होने के बाद ये पूरी असेंबल करते हैं इसको, जैसी अभी फिटिंग है वैसी पूरी फिटिंग हो जाती है इसमें। इसके नीचे ये लेमिनेशन रहता है ताकि स्क्रेच ना आए, ठीक है। इसको अपन यूज करने से पहले निकालना पड़ता है, ये देखिए जी जी। वो इसलिए निकालना पड़ता है, जैसे आपका चूल्हा जलता है तो हीट अप होता है, ये मेल्ट होकर चिपक जाता है, निकालना बहुत मुश्किल रहता है। फिर बात ये फिल्टर पे भी ये लेमिनेशन लगा हुआ रहता है। तो ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं क्या? जी सर। नहीं, हो गया जी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है सर। यहाँ पे लॉक सिस्टम रहता है ये। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये लॉक है। अच्छा अच्छा, ये लॉक है। ओ, ये ऊपर एक कट है उसमें जाके ये लॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये तो काफी आसान है जी सर। और मेरा काम आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख लिया होगा, अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है सर, और शेयर करिएगा। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब काफी सालों का होगा। हाँ सर, मैं सीनियर टेक्नीशियन हूँ फेबर में, ब्लेन में भी मैं सीनियर टेक्नीशियन रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा जी सर। तो आप भोपाल से ही? जी सर, भोपाल से ही हूँ मैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी चिमनी लगाई है, और जब जब इसको यूज करेंगे आपको दुआ देंगे। ओके।